नमस्कार दोस्तों, ये जो आप बूटी देख रहे हैं तो दोस्तों इस बूटी को कहते हैं फुलणु, पंच फुलणु कहते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये बूटी कैसी होती है। इसकी रगड़ जो होती है थोड़े दिन के बाद आपके अगर शरीर में रगड़ लग जाती है तो इसके ठीक होने में ये 10-15 दिन ले लेता है। तो दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और काफ़ी लोगों ने इसमें रिप्लाई किया है, मगर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम इसको खाते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बूटी को ज़्यादातर जो हैं हमारे अगर जानवर खाता है तो खाती हैं बकरियां, भेड़ और बकरियां। तो भेड़ बकरियों की खाने की बूटी होती है, मगर इसमें दो जातियां पाई जाती हैं, दो प्रजातियां इसकी। ज़्यादातर एक जो प्रजाति होती है उसके जो फूल होते हैं लाल होते हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके फूल लाल हैं, तो ये इतनी जहरीली नहीं है। एक बूटी और होती है जो उसकी जहरीली होती है, जिस आपने सुना होगा कि जिस चीज़ को बकरी खा लेती है उस चीज़ को वो चाहे जितनी भी जहरीली हो, क्योंकि बकरी जो एक ऐसी जानवर है जो हर चीज़ को खा लेता है चाहे जहरीली हो कुछ भी हो, मगर बकरी के ऊपर वो असर नहीं करता है। और एक बूटी इसकी होती है उसको बकरी भी छोड़ देती है, वो जहरीली होती है। उसके जो पत्ते होते हैं वो जामुनी होते हैं। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, इसी में जो पत्ते उसके जामुनी होते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अच्छी बात है आप लोगों ने खाई है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इसको बकरियाँ खाती हैं और ये हमारे खेतों में हर जगह पाई जाती है, मगर इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जहरीली भी होती है। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों मैं कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर पहाड़ों के अंदर ये बूटी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम, क्योंकि इसी बूटी का ज़्यादातर खरोच लगती है जिसके कारण उनको बीमारियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, मैं आपको बता दूं कि मैं वो चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पर होती है जिन चीज़ों से। वो ज़माने गए कि इससे फ़ायदा होता था, मगर आजकल ऐसा नहीं है कि आपने 100 साल कह दिया किसी ने इससे हम बिल्कुल ठीक होते थे, आज आप उसी चीज़ को आप खा कर देख लो बिल्कुल ठीक नहीं हो, बीमार हो जाओगे, क्योंकि वैसे आपका शरीर रहा नहीं है, शरीर आपका यूरिया से चल रहा है, दवाइयों से चल रहा है, तो वो इन चीज़ों को खाकर कहाँ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अफवाहों के ऊपर ना जाएं, उस चीज़ को अगर आपके आपने कहीं ये बूटी देखी है तो उस बूटी का आपने क्या करना है, बचना है इससे, ना कि इसके आपने ये डोडनू खाने हैं, ये देखो ये लगे हैं, आप कहते हैं हम खाते हैं, हमारे तो भाई ये भेड़ बकरियाँ खाती हैं, और बाकी हम अपने बच्चों को कहते हैं इससे दूर रहो, क्योंकि हमारे खेतों में ज़्यादा होती है, मैं हिमाचल से हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, फॉलो आपने करना है, आपका दिल करता है खाना है खाओ, हमें क्या है, मगर हम सही जानकारी देते हैं, चलो मत खाओ कोई बात नहीं, हो सकता आपको किसी को बेनिफिट दिया हो, मगर फिर भी आप लोगों ने इससे बचना है, क्योंकि इसकी खरोच होती है, इसमें कांटेदार होते हैं, कांटे से बचना होता है, और जो जहरीली होती है उससे भी बचना होता है, क्योंकि जहरीली जो होती है उसका फूल जामुनी होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।